हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग वंस अगेन। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं जावा सीरीज। और आज हम देखेंगे चेक करेंगे कि हम सबसे पहले एक यूज़र से ईयर इनपुट करवाएंगे और हम चेक करेंगे कि ये जो यूज़र ने ईयर डाला है ये लीप ईयर है नॉन लीप ईयर है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम बफर रीडर लेंगे, उसके थ्रू हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे और देन हम क्या करेंगे, उस ईयर को हम चेक करेंगे। किस तरह चेक करेंगे, उस पर कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे। सपोज़ वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। वो अगर 4 से डिविजिबल है मीन्स वो लीप ईयर है। अगर वो डिविजिबल नहीं है तो क्या होगा, नॉन लीप ईयर है। देन दूसरी कंडीशन हम चेक करेंगे, उसको 400 मतलब परसेंटाइल 400 करेंगे। वो अगर हमें 0 मिलता है मीन्स वो लीप ईयर है, अदरवाइज अगर नहीं मिलता है तो वो नॉन लीप ईयर है। तो सबसे पहले एक नई क्लास क्रिएट करेंगे और इस क्लास का हम नाम देंगे लीप ईयर एग्जांपल। और इसमें हम क्या कर लेते हैं, अपनी मेन मेथड ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने यूज़र से इनपुट करवाएंगे। क्या इनपुट करवाएंगे, एक ईयर, कोई सा भी ईयर इनपुट करवाएंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर बफर रीडर। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बफर रीडर, br इक्वल्स टू न्यू बफर रीडर। और यहाँ पर हम लेंगे न्यू इनपुट स्ट्रीम मींस इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर लेंगे न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर और यहाँ पर हम लेंगे सिस्टम डॉट इन, क्योंकि हम यहाँ पर कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करवा रहे हैं। देन यहाँ पर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और इसमें हम क्या लेंगे, यूज़र को हिंट देंगे कि इंटर अ ईयर। देन क्या करेगा, यूज़र एक ईयर डालेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ईयर कैसा होगा, एक इंटीजर टाइप का। तो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू हमें गेट होती है या सिस्टम को जो वैल्यू गेट होती है वो क्या होती है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, इंटीजर में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे इस ईयर को। तो यहाँ पर इंटीजर डॉट पार्स, यहाँ पर लिखेंगे हम पार्स इंटीजर। और इसमें हम क्या वैल्यू कराएंगे, इंटर करवाएंगे br डॉट रीड लाइन। देन यहाँ पर हमें इसको ट्राई कैच देना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर ट्राई कैच। अब यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे कि जो हमारा जो ईयर इनपुट हुआ है वो लीप ईयर है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ ईयर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, या इसको हम क्या बोलते हैं, इसको परसेंटाइल, ईयर परसेंटाइल 100 इक्वल्स टू 0, देन क्या होगा, ये लीप ईयर होगा। तो यहाँ पर हमें दो कंडीशन एक साथ चेक करनी है। तो यहाँ पर हम करेंगे एंड ईयर परसेंटाइल 400 इक्वल्स टू 0। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हुई मींस ये एंड ये कंडीशन अगर हमारी परफेक्ट है या सही है या ट्रू है तो क्या होगा, हमारा लीप ईयर होगा। तो हम यहाँ पर क्या प्रिंट करवा देते, सिस्टम डॉट
आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहां पर हम लिखते हैं लीप ईयर, लीप ईयर। एल्स क्या होगा, ये नॉन लीप ईयर, तो यहां पर हम लिखते हैं अब यहां पर हम एक दूसरी कंडीशन, यहां पर हम रुके एक मिनट, नॉट लीप ईयर। अब यहां पर हमें एक कंडीशन और लगाना है, किस तरह कंडीशन लगाना है, तो यहां पर हम देंगे, यहां पर हम देंगे एल्स, एल्स इफ, और यहां पर हम इसको दे देते हैं एल्स इफ, अगर सपोज यहां पर नॉट डिविजिबल बाय 100 एंड डिविजिबल बाय 4, देन क्या होगा, ये फिर भी अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू हुई तब भी क्या होगा, ये लीप ईयर होगा। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं, और यहां पर मैं डालता हूं 2000, क्या है ये लीप ईयर है, देन मैं क्या करता हूं 2019 डालता हूं, नॉट लीप ईयर, तो ये हमारा 2019 क्या है, नॉन लीप ईयर है या नॉट लीप ईयर है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।